हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। अगर आपका एग्ज़ाम इस बार 13 दिसंबर को होने वाला है तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों पिछली वर्षों में जो जितने हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हमने उनको कलेक्ट करके एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों तुरंत स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, जी हमारा एग्जाम 2021 में हुआ था, 22 में हुआ था, इससे पिछले दोस्तों 20 या 19 में हुआ था, ये आया था दोस्तों, ये आप जरूर लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है इस बार 2022 में। तो दोस्तों, जो हमारा डीसी जनरेटर में होता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? देखिए, डीसी जनरेटर हमारा फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जो हमारा डीसी जनरेटर का सिद्धांत है वह हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है या हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करना है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो डीसी मोटर में करंट की दिशा जो हमारी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निर्धारित होती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारे रूल जो याद करने वाले कि कोई भी अगर आपसे रूल से पूछता कि किस नियम पर कार्य करता है तो ये आज के लिए वीडियो स्पेशल दोस्तों रूल पे होने वाली है कि आर्मेचर रिएक्शन की या ईएमएफ की दिशा कैसे निकालते हैं या आर्मेचर की दिशा कुछ भी जो निकालना है ना आपको सब इस वीडियो में बताना। बस आप वीडियो को अंदर देखिए और समझने का प्रयास करिए। दोस्तों मैंने कहाँ पे था, हाँ, डीसी मोटर में देखिए फ्लक्स बोल रहा है, करंट बोल रहा है, कहीं ईएमएफ बोल रहा है। दोस्तों देखिए, सारे हमने क्वेश्चन लिए आपको जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए हमेशा हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, गुड, हाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए दोस्तों, हाँ चलो, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउजर का उपयोग किस करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? देखिए, जो एसी मोटर होता है हमारा, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउजर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? देखिए दोस्तों, जब भी हम एसी मोटर में आंतरिक ग्लाउजर का प्रयोग करेंगे तो इससे हम दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही प्रयोग करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? वो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करता है। देखिए, अगर डीसी जनरेटर में अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन अगर उत्पन्न हो जाएगा तो इससे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है यदि इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? डीसी जनरेटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसे लंबे समय तक हम बंद रख दें? तो देखिए, इसमें क्या होगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अगर देखिए हम दोस्तों, डीसी जनरेटर को अगर लंबे समय तक हम बंद कर दें, उससे काम हम ना लें, जंग तो लग ही जाएगा और साथ ही साथ वो अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जो है कम खो देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर के ब्रश में जो हमारा स्पार्किंग होता है वो क्यों होता है, क्या आपको पता दोस्तों? तो आज आपको पता हो जाएगा वीडियो देखने के बाद।
जो एमएनए और जीएनए है ये पोजीशन क्या होती है, इनकी चेंज हो जाती है। इस कारण हमारे डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग हो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये हमारा इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टर को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको आज वीडियो देख याद कर लीजिए, भी बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कलेक्शन किया है। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, आई होप। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए देखिए हमारा क्या लिखा है। चार बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? देखिए फोर पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? वो देखिए प्रतिरोधक हमेशा क्या काम होता है, लिमिट करंट इन एनवीसी। हमें सब प्रतिरोधक काम होता है कि प्रतिरोध करंट को रोकना, प्रतिरोधक काम होता है रोकना। तो लिमिट करंट इन एनवीसी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ क्यों वाउंड क्यों है? देखिए दोस्तों डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? क्योंकि टू कैरी द लोड करंट। देखिए जो हमारे डीसी सीरीज की जो मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो मोटी इसलिए होती है क्योंकि टू कैरी द लोड करंट, लोड करंट को ले जाने के लिए हम डीसी की कॉइल की जो है वाउंड जो है वो मोटी करते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेयरिंग जो हमारे सिलने वाली मशीन होती है के लिए किस प्रकार, कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? देखिए दोस्तों लिखा है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? तो देखिए दोस्तों हमेशा जो हम सिलाई मशीन होती है वो हमारी संचयी यौगिक मोटर होती है। कतरनी मशीन के लिए संचयी यौगिक मोटर या इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर उपयुक्त सही होती है, मतलब है ना। तो शेयरिंग मशीन के लिए हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर सही होती है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ डीसी कंपाउंड मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए कंपाउंड मोटर को हिंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिश्रित मोटर। तो कहाँ डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए हम डीसी कंपाउंड मोटर वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमको कांस्टेंट स्पीड अंडर वेयरिंग लोड, मीन जहाँ पे हमको एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, और हमको लोड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर हमको दोस्तों कांस्टेंट समझ नहीं पाते ना, मतलब एक समान स्पीड, ना कम ना ज़्यादा, तो हम कौन यूज करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपने आईटीआई सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के अपने दोस्तों तक, सारे दोस्तों शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरह, और आप हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपके साथ बनाकर ला सकूं। अगर दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों तो आर्मेचर, हाँ क्वेश्चन हमारा 15 था। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या, देखिए डीसी मोटर के लिए आप समझ रहे हो कि स्टार्टर क्या 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 काम होता है। देखिए दोस्तों हमारा डीसी मोटर में स्टार्टर का काम होता है आर्मेचर करंट को सीमित कर, जो हमारा आर्मेचर करंट होता है इसको कम कौन करता है, या लिमिट या मतलब मैनेज करता है, क्या करता है, स्टार्टर काम करता है। स्टार्टर जो होता है वो हमारा डीसी मोटर में करंट को मतलब मैनेज करता है ना एक तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के उपकरण, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग अगर टेस्ट करना है तो हम ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि क्वाइल पिच जो हो पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि दोस्तों क्वाइल जो पिच होती है हमारी, पोल क्वाइल पिच जो है क्या है वो, पोल पिच से अगर कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा, सॉल्ट कोल्डेड वाइंडिंग। अगर कॉइल पिच जो है हमारी पोल पिच से कम होगी तो हमारा वाइंडिंग का क्या नाम होगा, सॉल्ट कोल्डेड वाइंडिंग। जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? देखिए हमेशा जब भी आपकी बात करें प्रतिरोधक का बात आ जाए तो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा करंट को रोकता है, लिमिट द करंट इन द होल्डिंग कॉइल। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हमारी कौन सी मोटर यूज होती है? देखिए लिखा है विच स्पीड कंट्रोल मेथड यूज ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम कौन सी मोटर को यूज करते हैं दोस्तों? ये हमारा पिछली गत परीक्षाओं में पूछा गया बहुमुखी सबसे नंबर वन क्वेश्चन है, इसको आप जेब में रख कर जाइए, क्वेश्चन आने ही वाला है। देखिए फील्ड डाइवर्टर मेथड, देखिए इसमें बोल रहा है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम फील्ड डाइवर्टर मेथड यूज करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो वाल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। देखिए डीसी मोटर में अगर एक जनरल स्पीड से ऊपर हमको ज़्यादा लेना है और नीचे दोनों गति को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो वाल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का हम यूज करते हैं दोस्तों। आप थोड़ी सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? देखिए कम्यूटेटर में अगर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, तो दोस्तों आंसर राइट क्या होगा इसका? इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। अगर ब्रश पोजीशन की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, मतलब इधर गलत जगह पे है, तो हमारे कम्यूटेटर में तेज चमक उत्पन्न होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मैंने दोस्तों आपके लिए डायरी में इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप समझ रहे होंगे मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह और वीडियो बना सकूं। अगर आप मुझको मोटिवेट करेंगे, अगर आप लाइक ज़्यादा देंगे, व्यू ज़्यादा देंगे, तो मैं इसी तरह की वीडियो और बनाऊंगा। ये बात होती है, और कोई बात थोड़ी होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का, किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम एक्सटर्नल ग्राउलर, या इसको हिंदी बोलते हैं बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है? डीसी फील्ड जो है कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का प्रयोग करते हैं? दोस्तों डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम सुपर इनेमल्ड कॉपर्ड वायल का प्रयोग करेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है? तो दोस्तों डीसी मोटर की जो स्पीड है उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एन बराबर, देखिए स्पीड स्पीड किसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, तो एन इक्वल टू क्या होगा? ई बी अपान फाइव। एन इक्वल टू होगा ई बी अपान में फाइव। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानता रास्ते हैं? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मेन हमारा क्या है लैप, बस आपको ये ध्यान देना, अगर लैप होगा तो यहाँ पे दो होगा, अगर वेव होगा, एक लैप होता है एक वेव होता है ना, आप पढ़ेंगे दो क्वेश्चन होते, तो उसमें वहाँ पर वेव में चार होगा, लैप में दो होगा, ये आप डर लीजिए, मैंने आपको शॉर्ट बता दिया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? जो हमारा डीसी शंट मोटर होता है उसमें आर्मेचर द्वारा ली गई करंट की फार्मूला क्या है? तो दोस्तों करंट, देखिए आर्मेचर द्वारा करंट जो होता है उसको किसे डोंट करते हैं? आई ए से डोंट करते हैं, आई ए से। तो देखो दोस्तों आई ए इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप याद कर लीजिए, वी माइनस ई बी अपान आर ए। या दोस्तों देखिए हमने ये भी लिख दिया साथ साथ, मैं आपको दोनों फार्मूला बताया है, अगर एक से काम में चले तो दूसरे से काम चला लो, V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए है ना। या यहाँ से देखिए हम ई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए V इक्वल टू क्या लिखा है ई बी प्लस आई ए आर ए, तो अगर हम ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उस साइड भेज देंगे, तो V है ये इधर प्लस है, तो किधर है माइनस में जाएगा, तो V माइनस आई ए आर ए, तो यहाँ से हम ई बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, V ये प्लस उधर जगह माइनस हो जाएगा है ना, तो V ई बी इक्वल वैल्यू क्या है V माइनस आई आर ए। सो फाइनली हमारा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा V माइनस ई बी आर ए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक सो मच।